Hi students, welcome to my channel CS Bhasha. This video is basically about the binary file system. So Python mein abhi tak humne text files ke baare mein baat kari hai, and we have understood how we are supposed to work in the text file. Now binary file is little different from the text file. जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो डिफरेंस होता है बिटवीन बाइनरी फाइल एंड टेक्स्ट फाइल इज कि टेक्स्ट में सब कुछ सारा का सारा डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, लेकिन बाइनरी फाइल के अंदर आप जैसा डेटा डालोगे वैसा ही डेटा एज इट इज़ फाइल के अंदर स्टोर होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टोरिंग एन इंटीजर डेटा, इट विल बी स्टोर्ड एज इंटीजर. इफ़ यू ट्राइंग टू स्टोर द डेटा ऑफ द टाइप कैरेक्टर, इट विल बी स्टोर्ड एज अ कैरेक्टर. लेकिन जब वो फाइल के अंदर स्टोर होता है, वी विल नॉट बी एबल टू रीड दैट डेटा. ओके, सो बाइनरी फाइल्स की कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है कि फाइल्स विच वी आर नॉट एबल टू रीड, बिकॉज बाइनरी फाइल में बाइट सिस्टम में डेटा स्टोर होता है, बाइट स्ट्रीम में डेटा स्टोर होता है. सेकेंडली, डेटा इज कंटेन इन द ओरिजिनल फॉर्मेट, जैसे मैंने बताया इंटीजर डेटा इंटीजर फॉर्म में, फ्लोट डेटा फ्लोट फॉर्म में, एंड सो ऑन. इसके अंदर आप इमेज डेटा भी स्टोर कर सकते हो, पीडीएफ फाइल्स भी स्टोर कर सकते हो. इसीलिए पाइथन के अंदर अगर हमारे को इस डेटा को स्टोर करना है या यहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमारे को एक प्रोसेस यूज़ करना होता है जिसको बोलते हैं पिकलिंग प्रोसेस. इसी डेटा को अगर हमारे को पिकलिंग करना है, तो पिकलिंग का बेसिकली मतलब होता है, पिकलिंग मीन्स कि इट टेक्स द डेटा इन द पाइथन ऑब्जेक्ट. जैसे लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल्स हैं, ये सब पाइथन के ऑब्जेक्ट्स हैं. तो उसके अंदर जो डेटा स्टोर्ड है, वहाँ से लेकर दैट डेटा इज कन्वर्टेड इनटू द बाइट स्ट्रीम. ओके, सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड इनटू अ फाइल फॉर लेटर यूज. सो देयरफॉर इट यूजेस द प्रोसेस ऑफ सीरियलाइजिंग. सो दिस सीरियलाइजिंग इज बेसिकली द सेम प्रोसेस वेयर द डेटा इज टेकन फ्रॉम द your python object, whatever data is stored over there like a list or a tuple, and it is converted into the byte stream, and then it is stored for future use in your hard disk inside the file. So that is what a serializing is. Aur isi ko jab hum ulta karte hain to isko deserializing bolte hain. Iska matlab hai jab file ke andar data hamara byte stream ke form mein stored hai, wahan se pick karte hain us data ko aur usi data ko back to the object jo aapka पाइथन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं. दैट इज द डेटा दैट वी आर एबल टू रीड. अब इसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये होता है कि हम इस तरह के डेटा को जो पिकलिंग प्रोसेस के थ्रू फाइल्स में स्टोर होता है, वी कैन यूज़ इट अंडर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो. ना ही सिर्फ हम इसको हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर सकते हैं, वी कैन इवन सेंड इट ओवर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और डेटा बेसिस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं इसको. इसीलिए अब अगर पिकलिंग प्रोसेस हमारे को सीरियलाइजिंग और डी सीरियलाइजिंग के लिए यूज़ करना है, देन वी विल गोइंग टू यूज़ समथिंग कॉल्ड एज पिकलिंग पिकल मॉड्यूल. सो पिकल मॉड्यूल बेसिकली हमारा वो मॉड्यूल है जो डील करता है डेटा को ऑब्जेक्ट से लेकर डेटा को फाइल में स्टोर करने के लिए, एंड वाइस वर्सा. ओके, सो इसमें इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली दो तरह के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाइनरी फाइल के अंदर डेटा डालने के लिए और डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. सो द फर्स्ट फंक्शन वील टूडे स्टडी विल बी द डंप फंक्शन, विच इज़ यूज टू सीरियलाइज द डेटा सो दैट इट कैन टेक द डेटा फ्रॉम द पाइथन ऑब्जेक्ट एंड स्टोर इट इन टू अ फाइल, जिसका सिंटैक्स मैंने आपको बताया हुआ है इसके अंदर, दैट इज पिकल डॉट डंप. सो ऑब्जेक्ट से लेता है डेटा और फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू फाइल के अंदर स्टोर करता है. और दूसरा फंक्शन अभी हम स्टडी करेंगे लोड, जिसमें वो डी सीरियलाइज करता है, मतलब बिल्कुल सीरियलाइज का उल्टा. जो फाइल के अंदर हमारा डेटा है, वहाँ से वो डेटा उठाता है और आपके पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करता है. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि पाइथन जब हम में लोड फंक्शन यूज़ करेंगे पिकल के अंदर, तो वो हमेशा वन रिकॉर्ड एट अ टाइम ही उठाता है. तो अगर आपने डेटा को मल्टीपल रिकॉर्ड्स के फॉर्म में स्टोर करा हुआ है, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स के फॉर्म में ही रीड करना पड़ेगा. लेकिन आपने सारा डेटा अगर एक ही रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर करा हुआ है, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा, जो अभी हम डिटेल में स्टडी करते हैं. में हम पिकल मॉड्यूल को डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले जस्ट टू रिकॉल, जैसे हमारे पास जैसे टेक्स्ट फाइल थी एंड वी कुड यूज़ द टेक्स्ट फाइल इन डिफरेंट मोड्स, इसी तरह से हमारे पास जो बाइनरी फाइल है, वी कैन यूज़ द डिफरेंट मोड्स इन द बाइनरी फाइल. जैसे इफ़ आई वॉन्ट
टू रीड माई बाइनरी फाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्लेस ऑफ लाइक टेक्स्ट फाइल में क्या होता था, हम आर यूज करते थे. यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आर बी करेंगे. तो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, इट विल गोइंग टू शो एन एरर मैसेज. सिमिलरली डब्ल्यू बी, अगर हमारे को फाइल बाइनरी फाइल के अंदर राइट करना है, बिकॉज डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइट, बी स्टैंड फॉर बाइनरी, इन टू द बाइनरी फाइल. एंड रिमेंबर, इफ देर इज नो फाइल एग्जिस्टिंग, देन द न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड. ए बी मीन्स अपेंडिंग द बाइनरी फाइल एज वी हैव डन इट इन टेक्स्ट फाइल. सिर्फ बी नहीं था उसके अंदर. सिमिलरली इफ यू जस्ट एड अ प्लस साइन आफ्टर दैट, दैट मीन्स यू विल गोइंग, इट विल हैव द सेम फंक्शनैलिटी एज ऑफ आर बी विद एन एडिशनल फंक्शनैलिटी दैट नाउ इट विल ऑल्सो बी एबल टू राइट. सो इट अलाउज यू रीडिंग एज वेल एज राइटिंग. द सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल विद डब्ल्यू बी प्लस एंड ए बी प्लस. सो लेट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट प्रोग्राम. एक प्रोग्राम देखते हैं, बेसिक सा प्रोग्राम. सबसे पहले हमारे को अगर बाइनरी फाइल के अंदर काम करना है, वी आर सपोज टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल कॉल्ड एज पिकल. ओके, सो हम अब राइट करते हैं फाइल के अंदर ये वाली चीज़. अब इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, हमने जैसे टेक्स्ट फाइल के अंदर फाइल ओपन करी थी, वहाँ पर ओपन एंड लेट अस गिव द नेम ऑफ द बाइनरी फाइल दैट यू वॉन्ट टू ओपन. एंड यू सपोज टू रिमेंबर, सिंस यू आर राइटिंग द फाइल, इट हैज़ टू हैव द मोड एज डब्ल्यू बी. यहाँ अगर आप इस लाइन में देखें तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, प्लीज़ यू आर सपोज टू रिमेंबर कि हमारे पास दो तरीके होते हैं फाइल खोलने के. पहला तरीका तो हम कर चुके हैं बहुत बार, तो दूसरा तरीका होता है उसमें हम ये भी लिख सकते हैं, विद ओपन द नेम ऑफ द फाइल इन द मोड एज द फाइल ऑब्जेक्ट. द ओनली डिफरेंस बिटवीन विद case is that you don't have to close the file. In the second case, you have to explicitly close the file. So otherwise there is no difference. These are just two different ways of opening the file. Now what happens is, I accepted the roll number, let me accept the data for a child, for a student, in terms of his roll number, name, percentage. So maine teen variables liye. Pehle case mein इनपुट कराया रोल नंबर, दूसरे केस में इनपुट कराया नेम, तीसरे केस में इनपुट कराई परसेंटेज, और उसको एक रिकॉर्ड के फॉर्म में, एक किस में हमने डाल दिया, हमने डाल दिया इसको एक लिस्ट के अंदर. सो नाउ लुक एट द सिंटैक्स चिल्ड्रन वेरी केयरफुली. इट सेज पिकल डॉट डम्प, इट विल गोइंग टू डम्प दिस रिकॉर्ड आर ई सी इन योर फाइल दैट इज बाइनरी विच इज एक्सेसिबल थ्रू द फाइल ऑब्जेक्ट F. अब अगर हमारे को सेकेंड रिकॉर्ड एंटर करना है या नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करना है, वी विल आस्क द यूजर एंड द लूप विल गोइंग टू कंटिन्यू टिल द यूजर वांट्स. ओके, एंड सिमिलरली इफ आई वुड लाइक टू रीड फ्रॉम द फाइल, व्हाट विल आई सी, आई विल ओपन द बाइनरी फाइल. नाउ द ओनली थिंग इज द मोड विल गोइंग टू चेंज. आई विल सी दिस एंड ओके. नाउ मैंने इसके अंदर आपको, दिस वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट वेन एवर you are trying to store the data into the binary file in the form of multiple records, तो आपको ये exception याद ही रखनी पड़ेगी. ये वाली चीज़ आपको definitely याद रखनी पड़ेगी. कैसे, कि आपने ये record तब तक read करता रहेगा जब तक वो end of the file में नहीं आ जाता, और end of the file को handle करने के लिए हमारे को python के अंदर use करना पड़ेगा exceptions. So you try, keep on reading and loading the record into the list called REC and keep on printing the record. The moment you will going to go to the end of file, the moment it reaches the end of the file, this exception will be handled and the file will automatically be closed. So if I would like to run my program, before running my program, let us just call the two functions. So first I want to write into the file, so we'll write. And then I would like to read from the file. So let's see how it works. I'm entering the first roll number, say 12. The name is Sesaveri. The percentage is say 78. Now I would like to enter more records. The roll number is say 13. The name is Geeta. And the percentage is say 89. Now I don't want to enter more records. So can you see now? The records were printed once the read function was called in the form of two. Okay, so two separate lists were being printed, and this is how the data is even stored and the data is even extracted. I hope you've understood the first section of reading and writing. Now there's another method also of reading.
सो दूसरा मेथड क्या है रीडिंग का, देखिए मैंने आपको ये चीज़ बार बार, मैं आई एम अगेन रिपीटिंग, पाइथन पिकल जब यूज़ करता है, पिकल डॉट डम्प यूज़ करता है, तो एक रिकॉर्ड एट अ टाइम के अकॉर्डिंगली स्टोर करता है और एक रिकॉर्ड एट टाइम के अकॉर्डिंगली फेच करता है. तो अगर यहाँ पर अगर हम लिस्ट ऑफ अ लिस्ट बना ले और यहाँ पर सपोज मैं लिख लेती हूँ REC is an empty list. Okay, I am accepting this. I am just picking it up from here. And yahan par I am using another sublist. So whatever I have, I am just appending this. So REC.append and R is what I am having. Okay, once I have taken the entire record, now I would like to dump it. And now I will just dump it as a single record. Now did you see, now pickle is not part of the loop. That means it is being entering the data in the form of a single record, not in the form of multiple records. So data aa gaya aapka iske andar. Is case mein aapko exception handle karne ki zarurat hai hi nahi, because data sirf ek hi record ke form mein store hua hai. Aur agar wo ek hi record ke form mein store hua hai, to ek hi bar se hi pura ka pura data REC ke andar aa jayega. You don't even have to use this. There is no need. So you will just going to open the file, you will going to load the data, and you will just going to print the file. So exception ki zarurat isme zarurat nahi hai hamare ko. And if you just see how it is different from the previous case, I will going to run my program. I'll enter the same data, so roll number 12, say name is Jatin. The percentage is 89. My more records, yes. Suppose the third, second roll number is this. Name is Monica. Percentage is 98. And I don't want to enter more records. Now, did you see how the data got printed? The data got printed in the form of a single record. That means list of list. Alright, so it got fetched up together because it was entered just as a single record. But in the previous case, it was entered as two different records. So just to quickly recall what we have studied so far, when we write into the binary file, there are two methods of writing. The first method is when the data is entered in the form of multiple records. So you will going to have the data. This is what I did in the previous case, and therefore the binary file got opened. When you write f is equal to open binary file, after this the data is accepted in the form of a list one by one, and it is written into the file simultaneously. That means there is a multiple record storage, and once the data is stored, after all the records have been dumped in the file, it is closed, which means the data is stored as three different records, just the way I showed you in the example. Similarly, when you are writing, the second way of writing the data into the binary file is where you are having it in the form of either a dictionary case or a list of lists, just the way I have explained that. Here you will going to dump the record using the pickle module just once at the end outside the loop. So in that case, the binary file is open and the data is accepted in the form of a list, and it is written into the file as a single record, which means all the data is taken in a list and it is dumped in the file as it is closed, which means when you write the data into the file, the data is written as one record in the file. The data is not written as three records in the file. That's very important for us to remember. So here the data is entered in the form of list of list. Similarly, when we are reading, and if we have stored the data in the form of three records, then we are supposed to use the exception end of file error, and in that case the binary file is opened, the first record is fetched from the file and it is stored into the object, and all the records are it keeps on fetching all the records till the end of file is reached and the exception is raised. Once the exception is raised, the file is automatically closed. Similarly, reading the binary file, the second method where it opens it in the RB mode, and in that case it is because it was stored in the form of a single record, therefore it is fetched in one single command. There is no loop required, and therefore the file is opened, the full record is fetched from the file, the record is stored into this object,
and then finally the full record is printed and the file is closed. So there is no need to handle the exception in this case. And finally, your complete answer is shown in the form of the list. I hope the reading and the writing of the data into the binary file is clear to you. If you have any questions, please do write me under the comment section. In my next video, I will be talking about how to search the record and how to make changes in the existing record. So like, please do like if you really like the video, and do share and subscribe. Thank you so much.